हेलो इंजीनियर्स, मैं सुशील कुमार सिंह कॉन्फिडेंस क्लस्टर में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो है बेसिक्स ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इन हिंदी पार्ट 15, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं रिएक्शन ऑफ सपोर्ट। सपोर्ट क्या होता है? सपोर्ट कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम में रखता है, होल्ड करके रखता है। जैसे हमने एक बुक को किसी टेबल पे रख दिया, तो हम बोल सकते हैं कि टेबल जो है वो उस बुक को सपोर्ट दे रहा है, वरना बुक तो नीचे गिर जाती। हमारा कैमरा जो है वो ट्राइपॉड पे रखा हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि ये ट्राइपॉड जो है वो कैमरे को सपोर्ट दे रहा है, वरना ये कैमरा नीचे गिर गया होता। मेरा कोई घर का एक लंबा सा बीम है, कोई लंबा सा बीम है, तो हम क्या करते हैं कि बीच में एक और पिलर लगा देते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये पिलर जो है वो इस बीम को सपोर्ट दे रहा है, वरना ये पिलर जो है वो ऐसे नीचे धंस जाता। तो सपोर्ट का मतलब होता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को इस तरह पकड़ के रखना कि वो इक्विलिब्रियम में बना रहे, इसीलिए उसको हम लोग सपोर्ट बोलते हैं। अब सपोर्ट का काम क्या होता है? सपोर्ट का काम तो उसको इक्विलिब्रियम में रखना है। उससे होता क्या है कि जब नीचे से हम सपोर्ट दे दिए, तो ये अपना फोर्स सब इस पे लगाएगा, क्योंकि ये इसके सपोर्ट के कारण रुका हुआ है, तो इसका जो भी वेट होगा वो यहाँ पर इस पर फोर्स को ट्रांसफर करेगा, और जब एक्शन इस सपोर्ट पे होगा तो ये सपोर्ट कुछ ना कुछ रिएक्शन भी देगा, और वो रिएक्शन उतना ही होगा जितना एक्शन हो रहा है, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो सपोर्ट जो होता है वो किसी को इक्विलिब्रियम में रखता है, और उसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए उसे कुछ ना कुछ रिएक्शन देना पड़ता है, और उसी रिएक्शन की वजह से वो पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में बना रहता है। ये था हमारा सपोर्ट और सपोर्ट का रिएक्शन। सपोर्ट के टाइप के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ज्वाइंट क्या होता है और ज्वाइंट कितने टाइप का होता है। आमतौर पर ज्वाइंट जो है वो तीन टाइप का होता है, फिक्स ज्वाइंट, पिन ज्वाइंट जिसको हम लोग हिंज ज्वाइंट भी बोलते हैं, और तीसरा होता है रोलर ज्वाइंट। देखिए ये ज्वाइंट क्या होता है, कोई दो ऑब्जेक्ट या दो बीम, जनरली हम लोग सपोर्ट रिएक्शन की बात करते हैं तो उसमें बीम की ही बात करते हैं, तो दो बीम कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ है कि वो एक दूसरे के एक जिस पॉइंट पे जुड़ा हुआ है उस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकता है, आगे पीछे नहीं जा सकता है, दाएं बाएं नहीं जा सकता है, मतलब वो मूव नहीं कर सकता है पर रोटेट कर सकता है, तो ऐसे ज्वाइंट को हम लोग पिन ज्वाइंट बोलते हैं। देखिए किस तरह का वो ज्वाइंट होगा, जैसे मान के चलिए ये इस तरह का है, एक बीम है और दूसरा बीम भी एक इस तरह से है, दोनों बीम को ऐसे सटा के और बीच में एक छेद किए और यहाँ पर एक कील घुसा दिए, तो अब क्या है कि ये जो है ये इस तरह से रोटेट कर सकता है, ऐसे घूम सकता है, ऐसे घूम के आ सकता है, पर ये आगे पीछे नहीं जा सकता है। इस तरह का ज्वाइंट आप देखे होंगे दरवाजे में, गेट जो कोई होता है डोर, तो उसमें कब्जा लगा हुआ होता है, उसको हिंज बोलते हैं, तो हम लोग दरवाजे को घुमा सकते हैं, उसको बाहर खींच नहीं सकते हैं, वो ना ऊपर नीचे जाएगा ना आगे पीछे जाएगा, बस वो घूम पाएगा उस हिंज के अबाउट, वो रोटेट कर पाएगा, तो उस तरह के ज्वाइंट को हम लोग हिंज ज्वाइंट बोलते हैं। ये इसको पिन ज्वाइंट बोलते हैं। पहला क्या था? फिक्स ज्वाइंट। फिक्स ज्वाइंट क्या होता है कि कोई भी दो बीम को हमने इस तरह से कनेक्ट कर दिया कि ना तो ये आगे पीछे जा सकती है, ना ऊपर नीचे जा सकती है, ना दाएं बाएं जा सकती है, ना घूम सकती है, बिल्कुल ये फिक्स है। जैसे हम लोग वेल्डिंग करते हैं ना, किसी दो चीज को वेल्ड कर दिए वेल्डिंग, तो वो बिल्कुल फिक्स हो गया, तो उसी को बोलते हैं हम लोग फिक्स ज्वाइंट। उस तरह का यदि कोई ज्वाइंट है तो उस ज्वाइंट को हम लोग बोलते हैं फिक्स ज्वाइंट। यदि वो एक पॉइंट के अबाउट घूम सकती है तो वो हो गई पिन ज्वाइंट। अब रोलर ज्वाइंट क्या होता है कि दो बीम को इस तरह से हम लोगों ने कनेक्ट किया कि जैसे यहां पे देखिए इस तरह से कनेक्ट कर दिया कि ये घूम नहीं सकती है, बस एक एक्सिस के अबाउट आगे या पीछे जा सकती है, जैसे एक्स एक्सिस पे ये चाहे तो ये आगे आ सकती है, पीछे जा सकती है एक रोल करके, तो ऐसे ज्वाइंट को हम लोग बोलते हैं रोलर ज्वाइंट। ये मूव मतलब ये एक पॉइंट पे घूम नहीं सकती है, ठीक है। इस तरह का ज्वाइंट आप लोग देखे होंगे ग्रिल में, स्लाइड करके बंद करने वाला और खोलने वाला जो ग्रिल होता है, अक्सर उसमें इस तरह का ज्वाइंट होता है, ठीक है। और पिन ज्वाइंट समझ गए और फिक्स ज्वाइंट भी समझ गए।
अब देखते हैं कि सपोर्ट क्या होता है और सपोर्ट कितने टाइप का होता है। आमतौर पर सपोर्ट भी तीन टाइप की ही होती है, हालांकि कुछ और भी स्पेशल केस हैं, कुछ और भी स्पेशल टाइप्स के सपोर्ट होते हैं, पर उसकी जरूरत हमें इस सब्जेक्ट में नहीं पड़ने वाली है कहीं पर, जब हम लोग वो सॉलिड मैकेनिक्स या स्ट्रक्चरल एनालिसिस पढ़ेंगे तो उसमें और कुछ स्पेशल टाइप की सपोर्ट होगी तो वो वहीं पढ़ेंगे, फिलहाल उस सब की जरूरत नहीं है। अभी तो हम लोगों को तीन टाइप का ही सपोर्ट मिलेगा, पहला होता है हिंज सपोर्ट, रोलर सपोर्ट और फिर फिक्स्ड सपोर्ट। हिंज का मतलब फिर से वही हुआ कि वो इस तरह का सपोर्ट कि उस सपोर्ट के अबाउट बीम रोटेट कर सकता है, पिन किया हुआ है तो वो घूम सकता है उस पॉइंट के अबाउट, ना तो आगे पीछे जा सकता है ना ऊपर नीचे जा सकता है। इसको हम लोग फिगर में कुछ इस जैसे ये बीम हुआ तो इसको हम लोग फिगर में कुछ इस तरह बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, यदि हम इसको इस तरफ खींचेंगे तो ये खिंचाएगा नहीं क्योंकि ये नीचे पकड़ा हुआ है, यदि हम इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे ऊपर नहीं जाएगा, नीचे फिक्स किया हुआ है ना ही नीचे दबेगा, लेकिन इसको यदि हम नीचे खींचेंगे नीचे दबाएंगे तो ये दब जाएगा, इस तरफ दबाएंगे तो इधर दब जाएगा, तो ये इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकता है। इस तरह का आप एग्जाम्पल देखे होंगे, पार्क में देखे होंगे अक्सर इस तरह का झूला रहता है, एक बच्चा इस तरफ बैठा रहता है एक इस तरफ बैठा रहता है, एक बार ये नीचे गया दूसरी बार वो नीचे गया, तो इस तरह का जो सपोर्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं हिंज्ड सपोर्ट, ठीक है। इसको पिन सपोर्ट भी बोल सकते हैं, हिंज और पिन एक ही है, कहीं पे हिंज लिखा रहता है कहीं पे पिन लिखा रहता है, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। दूसरे टाइप का सपोर्ट होता है रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट का मतलब होता है कि वो अपने एक एक्सिस पर आगे या पीछे भी जा सकती है रोल करके, इसको हम लोग जनरली इस तरह से डिनोट करते हैं, नीचे एक चक्का लगा देते हैं और ये बीम है, तो ये अपने पॉइंट पे इस तरह से रोटेट तो कर ही सकती है साथ साथ आगे या पीछे भी जा सकती है, तो इसको हम लोग रोलर सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। और ये हो गया हमारा हिंज सपोर्ट। तीसरा सपोर्ट हुआ फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट का क्या काम होता है कि वो ना तो आगे पीछे जाने देगी ना ही ऊपर नीचे जाने देगी और ना ही वो किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट करने देगी, वो बिल्कुल फिक्स करके रख दिया, जैसे हम लोग वेल्डिंग कर देते हैं कि अब वो हिलेगा नहीं, ठीक है। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं, इस तरह से डायग्राम बनाते हैं, ये हमारा एक दीवार है जिसमें इस तरह से इसको फिक्स कर दिया गया, ये बिल्कुल हिलेगा नहीं अपनी जगह से, तो ऐसे सपोर्ट को हम लोग बोलते हैं फिक्स सपोर्ट, ठीक है। अब देखिए सपोर्ट का काम क्या है, सपोर्ट का काम है सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना, उसको इधर उधर टहलने ना देना। अब आप बोलेंगे कि जब इक्विलिब्रियम में रखना है तो ये तो इक्विलिब्रियम में रहने नहीं देगी, ये तो आगे पीछे चली जाएगी, तो बिल्कुल ये आगे पीछे जा सकती है, लेकिन इस तरह का यदि सपोर्ट रहेगा तो अकेला ये सपोर्ट नहीं रहेगा, इसके साथ साथ कोई और भी सपोर्ट रहेगा और हर सपोर्ट मिल के उसको इक्विलिब्रियम में रखेगा, ठीक है। इसमें भी ये एक पॉइंट के अबाउट रोटेट तो कर रही है, लेकिन मान लीजिए एक और हम यहाँ पे हिंज लगा देते हैं तो अब तो ये रोटेट नहीं कर पाएगी क्योंकि ये नीचे आना चाहेगी तो इसको ये रोक देगी, तो ये इक्विलिब्रियम में यहां से आ गया। अब देखिए ये जो सपोर्ट है ये सपोर्ट अलाउ कर रहा है उसको मूव करना, ये रोटेट करना, ये सपोर्ट भी उसको रोटेट करना अलाउ कर रहा है, पर ये पूरा सिस्टम जो है उसके कारण वो इक्विलिब्रियम में बना हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि ये यहां पे जो हिंज है वो रोटेशन को अलाउ कर रहा है, ये भी रोटेशन को अलाउ कर रहा है, सिर्फ ट्रांसलेशन को अलाउ नहीं कर रहा है, आगे पीछे जाने को अलाउ नहीं कर रहा है। सेम यहां पर भी हमारा ये आगे पीछे जाना भी अलाउ कर रहा है और रोटेशन भी अलाउ कर रहा है, लेकिन इस तरह से एक और यहां पर मान के चलिए हमने हिंज लगा दिया तो उस केस में क्या होगा कि अब इसको आगे पीछे भी नहीं जाने देगा इसके कारण, अब ये सपोर्ट जो है वो उसको आगे पीछे जाना अलाउ कर रहा है, लेकिन चूंकि ये अकेला सपोर्ट तो है नहीं, इसके साथ साथ और भी सपोर्ट है, तो उस केस में क्या होगा कि ये टोटल सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, लेकिन फिर भी हम जब रिएक्शन की बात करेंगे तो ये सपोर्ट जो है उसको आगे पीछे जाने से नहीं रोक सकता है, तो इसलिए ये रिएक्शन भी नहीं देगा, ये सपोर्ट आगे पीछे जाने से रोक रहा,
तो ये रिएक्शन दे देगा। अब हम देखते हैं कि कौन सा सपोर्ट कैसा रिएक्शन दे सकता है। फिलहाल ये रोलर सपोर्ट सिर्फ यही है, ठीक है, और ये हिंज सपोर्ट है। तो अब क्या होगा, देखिए ये फिक्स सपोर्ट है, तो इस पर यदि हम कैसे भी फोर्स लगाते हैं, मान के चलिए हमने ऐसा फोर्स लगा दिया, तो क्या होगा कि ये बीम नीचे जाना चाहेगी, लेकिन ये तो फिक्स सपोर्ट है तो ये नीचे जाने नहीं देगी, तो मतलब एक रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, जिसको हम लोग वर्टिकल रिएक्शन को आरवी से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। यदि हमने एक और फोर्स इस तरह से लगा दिया तो इधर भी तो ये जाने नहीं देगी, तो एक रिएक्शन इस तरफ से भी लगा देगी, जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल फोर्स को आरएच से डिनोट कर देते हैं। लेकिन एक फोर्स ये जो इस तरह से लग रही है, तो आप देखिए इस पॉइंट को इस तरह से घुमाने की भी कोशिश कर रही है। यदि यहाँ पे पिन रहता तो इस तरह से तो घूम जाता, यदि हिंज होता तो घूम जाता, लेकिन ये फिक्स है तो घूमने से भी रोक रहा है। जिस तरह ये नीचे आने से रोक रहा है ये वाला रिएक्शन, जिस तरह ये रिएक्शन इसको इस तरफ जाने से रोक रहा है, उसी तरफ कोई ना कोई तो रिएक्शन है जो इसको घूमने से रोक रहा है। तो घूमने से जो रोकने वाला फोर्स रिएक्शन होता है उसको हम लोग मोमेंट बोलते हैं, क्योंकि रोटेशन के लिए तो मोमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, तो रोटेशन को रोकने के लिए भी मोमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये जो हमारा इस तरह से क्लॉकवाइज को रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, तो इसको रोकने के लिए एक रिएक्शन लगेगा जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, जिसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं। तो ये वजह है कि जब भी सपोर्ट फिक्स्ड होता है तो उसमें तीन रिएक्शन हो सकता है। एक तो वर्टिकल रिएक्शन हो सकता है जो कि वर्टिकल फोर्स को काउंटर करेगा, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होगा जो कि हॉरिजॉन्टल फोर्स को काउंटर करेगा, और एक मोमेंट होगा जो कि रोटेशन को काउंटर करेगा। अब बात करते हैं हिंज सपोर्ट की। तो जब हिंज सपोर्ट होगा तो यहां पर यदि कोई फोर्स नीचे की तरफ लग रही है तो उसको रोकने के लिए ये ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी, यदि कोई दाहिने की तरफ फोर्स लगा रही है या इस तरफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो उसको रोकने के लिए हॉरिजॉन्टल फोर्स भी लगाएगी, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी लगेगा। पर यदि यहां पर कोई इस तरह से फोर्स लग रहा है तो ये इसको घुमाने की कोशिश करेगा तो ये घूम जाएगा, ये ज्वाइंट जो है ये इसको रोकने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि ये फिक्स तो है नहीं, यहां पर तो पिन है, तो ये पिन है तो ये ऐसे यदि फोर्स लगा तो ये घूमने की कोशिश करेगा, जिसको ये रोकने की क्षमता इस सपोर्ट के पास है नहीं, तो इसलिए इसमें कोई मोमेंट जैसा रिएक्शन नहीं होगा। तो इस तरह के सपोर्ट में सिर्फ दो ही रिएक्शन होगा। अब क्या होगा, जब सपोर्ट रोलर होगा, नीचे से रोलर लगा दिया, तो अब ऊपर से यदि कोई फोर्स लग रहा है तो उसको तो रोकने के लिए नीचे से रिएक्शन लग जाएगा, वर्टिकल रिएक्शन, जिसको आरपी से डिनोट कर रहे हैं। लेकिन यदि हॉरिजॉन्टल फोर्स कोई लगा तो ये तो बस चलती ही रहेगी, इधर तो कोई रोकने के लिए फोर्स ही नहीं है, ये तो रोलर है, ये तो चल देगी, तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको रोक नहीं पाएगी, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई रिएक्शन नहीं होगा। सिमिलरली ये फोर्स इस तरफ यदि लग गई तो ये इसको घुमा ही देगी, इसको घुमाने से रोकने के लिए इसके पास कैपेसिटी ही नहीं है, क्योंकि ये तो पिन है, ये तो हिंज है, ये घूमने से नहीं रोक पाएगी, इसलिए यहाँ पे मोमेंट रिएक्शन भी नहीं होगा, और इस तरह इसमें सिर्फ एक ही रिएक्शन होगा, ठीक है। तो जब भी हिंज सपोर्ट होता है तो इसमें एक रिएक्शन होता है, हिंज में दो रिएक्शन होता है, कौन कौन सा, एक वर्टिकल रिएक्शन और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। जब रोलर सपोर्ट होता है तो उसमें सिर्फ एक रिएक्शन होता है जो कि वर्टिकल रिएक्शन होता है, और फिक्स सपोर्ट होगा तो उसमें तीन रिएक्शन होगा। तीन रिएक्शन कौन कौन सा, एक वर्टिकल रिएक्शन, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और एक मोमेंट रिएक्शन। मोमेंट भी एक रिएक्शन है जो कि इसको घूमने से रोक रही है, ये दोनों घूमने से रोक नहीं पा रही है, इसलिए इस दोनों में मोमेंट रिएक्शन नहीं होगा, ये तो आगे पीछे जाने से भी नहीं रोक रही है, इसलिए इसमें हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी नहीं होगा, और वर्टिकल ऊपर नीचे जाने से रोक रही है इसलिए वर्टिकल रिएक्शन होगा। ये था हमारा सपोर्ट, टाइप्स ऑफ सपोर्ट। ये जनरली यही तीनों टाइप का सपोर्ट आपको हर क्वेश्चन में मिलेगा, और ऐसे तो कुछ और स्पेशल टाइप के सपोर्ट हैं पर वो अभी हमारे स्कोप में है ही नहीं, वो हमें पढ़ना ही नहीं है इस बार, ठीक है। हालांकि सपोर्ट कितने टाइप का होता है और किसका क्या फंक्शन है, कौन कैसा रिएक्शन देता है, इतना जानने से हमारा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, पर कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी के लिए कुछ कुछ ऐसा टर्म इजाद किया गया ताकि लोगों को समझने में आसानी हो, लोग यदि नाम बोल दें तो उसका मतलब समझ में आ जाए, इसलिए कुछ बीम के टाइप्स डिफाइन किए गए, कुछ कुछ ऐसे बीम जिसके कुछ नाम दे दिए गए
उसके सपोर्ट के आधार पे, ताकि उसे समझ में आ जाए कि अच्छा ये बीम है, इसका मतलब इसमें ऐसा ऐसा सपोर्ट होगा। तो इस तरह से कुछ बीम के टाइप बनाए गए। तो पहला टाइप को हम लोग बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम। जब भी कोई एक बीम दो सपोर्ट पे खड़ा हो और वो दोनों सपोर्ट या तो हिंज हो या फिक्स हो, सॉरी हिंज हो या रोलर हो, या फिर एक हिंज और एक रोलर हो, तो उसमें हिंज और रोलर के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए और दो ही सपोर्ट होना चाहिए, तो वैसे बीम को हम लोग बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। जिसका डायग्राम हम इस तरह से बना सकते हैं, एक बीम है और उसमें दो सपोर्ट लगा हुआ है दोनों एंड पे, ये दोनों एंड पे ही होना चाहिए, और एक तरफ हिंज ज्वाइंट है और दूसरे तरफ रोलर ज्वाइंट है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। हो सकता है दोनों तरफ हिंज ही रहे या फिर दोनों तरफ रोलर रहे, तो इस तरह का सपोर्ट को बोले, इस तरह के बीम को बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। दूसरा टाइप हो गया हमारा ओवरहैंगिंग बीम, ओवरहैंगिंग बीम। ओवरहैंगिंग बीम भी सिंपली सपोर्टेड बीम के तरह ही है, रिएक्शन बिल्कुल सपोर्ट बिल्कुल उसी तरह का है इसमें भी, पर फर्क इतना है कि इस बीम में सपोर्ट जो है वो एंड पे नहीं है बल्कि कुछ अंदर है, ठीक है। ये दोनों सपोर्ट से इधर भी बाहर निकला हुआ है, उधर भी बाहर निकला हुआ है, तो इसको हम लोग ओवरहैंगिंग बीम बोलते हैं। यदि सिर्फ एक ही तरफ बाहर निकला है तो ये वन साइडेड ओवरहैंगिंग बीम होगा, दोनों तरफ बाहर निकला हुआ है तो ये टू साइड ओवरहैंगिंग बीम होगा, लेकिन दोनों ही ओवरहैंगिंग बीम होगा। ओवरहैंगिंग बीम भी सिंपली सपोर्टेड बीम के तरह ही होता है, पर उसमें सपोर्ट जो होता है वो जैसे इसमें एंड पे लगा हुआ था, इसमें एंड पे नहीं लगा के बल्कि हम लोग बीच में कहीं पर दो जगह सपोर्ट लगाते हैं, या फिर एक सपोर्ट एंड पे और दूसरा सपोर्ट बीच में कहीं पर, मतलब सपोर्ट से बाहर यदि निकल गया तो हम उसको बोलेंगे ओवरहैंगिंग बीम। तीसरा टाइप का बीम होता है कॉन्टिन्यूअस बीम, कॉन्टिन्यूअस बीम में क्या होता है कि ये इसमें भी सपोर्ट कुछ उसी तरह का होता है, पर इसमें क्या होता है कि सपोर्ट दो से ज्यादा होता है, दो से ज्यादा कितना भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, ठीक है। और अगेन ये जो नीचे का सपोर्ट होगा ये रोलर हो सकता है या फिर हिंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और दो से ज्यादा सपोर्ट हो, जब भी दो से ज्यादा सपोर्ट हो जाएगा मतलब कंटिन्यूअस सपोर्ट है, तो इसलिए हम लोग इसको कंटिन्यूअस बीम बोलते हैं। इसमें ओवरहैंगिंग भी हो सकता है, ओवरहैंगिंग ना भी हो सकता है, हो सकता है कि इसके इधर ना निकला हो, इसके इधर भी ना निकला हो, या हो सकता है इस तरफ निकला हो या उस तरफ निकला हो, या फिर दोनों तरफ भी निकला हो सकता है, पर सपोर्ट यदि दो से ज्यादा हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस बीम। तीसरा तीन हो गया। चौथा टाइप का बीम होता है फिक्स्ड बीम, फिक्स्ड बीम वो बीम होता है जिसको हम लोग दोनों तरफ से फिक्स कर देते हैं, ये हो गया फिक्स्ड बीम। इसमें इस तरफ भी फिक्स्ड सपोर्ट और इस तरफ भी फिक्स्ड सपोर्ट। फिक्स्ड बीम जैसे हम लोग सपोर्ट में जानते थे फिक्स्ड सपोर्ट, जो कि रोटेशन को भी अलाउ नहीं करती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूवमेंट को भी अलाउ नहीं करती है, उस तरह का कोई बीम है दोनों तरफ फिक्स्ड सपोर्ट लगा हुआ तो उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड बीम। पांचवा टाइप का बीम हो जाता है कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम में क्या होता है कि एक तरफ फिक्स्ड सपोर्ट रहता है और दूसरा तरफ फ्री रहता है, दूसरे तरफ कोई सपोर्ट नहीं है, एक तरफ फिक्स्ड सपोर्ट लगा दिया दूसरा तरफ खुला हुआ है, तो ऐसे बीम को हम लोग बोलते हैं कैंटिलीवर बीम। और कुछ एक और स्पेशल टाइप का बीम कभी कभी आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉप कैंटिलीवर बीम, प्रॉप कैंटिलीवर बीम। ये कैंटिलीवर बीम ही होता है जिसमें बीच में कहीं पर हम एक रोलर सपोर्ट या फिर हिंज सपोर्ट लगा देते हैं, तो इस तरह के बीम को हम लोग बोलते हैं प्रॉप कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम में एक सपोर्ट को प्रॉप किया गया है, ठीक है। ये बस टर्मिनोलॉजी है, ये इसका नाम है, और ये नाम इसलिए बनाया गया है कि यदि हम बोलते हैं कि कंटिन्यूअस बीम, मतलब समझ में आ जाएगा कि ऐसा बीम जिसमें दो से ज्यादा सपोर्ट है,
ठीक है। यदि हम बोलते हैं कैंटिलीवर बीम तो समझ में आ जाएगा कि चलो एक तरफ फिक्स है दूसरा तरफ खुला हुआ है, इसीलिए अलग अलग नाम दिया गया है। कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है इसमें, नाम से पता चल जाता है। सिंपली सपोर्ट मतलब दो सिंपल रिएक्शन है दोनों तरफ, बस इससे सिंपल और कुछ नहीं हो सकता है जो कि कम से कम रिएक्शन दे। देखिए यहाँ पर फिक्स भी चाहे तो कर सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में तो ऐसे भी ये रहने वाली है, इक्विलिब्रियम में तो ये सब रहेगी। यहाँ पर फिक्स कर दिए, यहाँ पर मोमेंट भी रोक रहा है लेकिन एक्चुअली इसमें जरूरत तो नहीं है। यदि ये फिक्स ना रहता तो भी ये इक्विलिब्रियम में रहेगी। तो ये एकदम सिंपल सपोर्ट होता है, इसलिए इसको हम लोग सिंपली सपोर्टेड बोलते हैं। ओवरहैंगिंग इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि दोनों तरफ वो हैंग कर रहा है, मतलब लटक रहा है बाहर की तरफ, इसलिए ये ओवरहैंगिंग हो गया। कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यूअस बहुत सारा सपोर्ट है, कंटिन्यू हो रहा है सपोर्ट, तो इसलिए इसको कंटिन्यूअस बीम बोलते हैं। फिक्स्ड बीम में दोनों तरफ फिक्स होता है। कैंटिलीवर एक थोड़ा नया नाम हो सकता है आपके लिए, कैंटिलीवर का मतलब एक तरफ फिक्स और दूसरा तरफ फ्री, और प्रॉप कैंटिलीवर मतलब कैंटिलीवर में ही एक बीच में कहीं पर एक सपोर्ट लगा दिया। ये था हमारा बीम अलग अलग टाइप का। इससे ज्यादा और बीम कुछ अभी आने वाला नहीं है आपको क्वेश्चन में, इससे ज्यादा कुछ दिखेगा नहीं। यदि कोई स्पेशल टाइप का बीम होगा तो उसका डायग्राम बना दिया जाएगा, वरना नाम तो इससे ज्यादा आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो इतनी सी कहानी थी रिएक्शन ऑफ सपोर्ट की। सपोर्ट इस तरह से रिएक्शन देता है, कितने टाइप का सपोर्ट होता है और कितने टाइप्स का बीम होता है, ज्वाइंट कैसा कैसा होता है, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना था पर चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में उसको कुछ न्यूमेरिकल्स भी इसका सॉल्व कर लेंगे। तो आशा करते हैं कि अभी तक जो पढ़ाया गया है सपोर्ट रिएक्शन में वो सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपकी पूरी तरह मदद की जाएगी। और यदि सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे का हर वीडियो आपको समय से मिलता रहे। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।